प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि 4 जून को जो है लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया गया, और जारी करने के बाद अब इलेक्शन आपके ख़त्म हो चुके हैं और अब जो है बिहार में लगातार नोटिस आएंगे, खबरें आपको देखने को मिलेगा कि इस विभाग में इतना वैकेंसीज आया, इस विभाग में इतना वैकेंसी आएगा या आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एक साल से लगातार बोला जा रहा है कि 10 लाख बहाली दी जाएगी, जिसमें से कल का अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा या देखा होगा, जिसमें बताया गया था कि जो 10 लाख नौकरी देने की वादा किया गया था उसमें 5 लाख या तो प्रोसेस में है या लगभग कंप्लीट होने वाला है, बाकी 5 लाख लगभग और हैं जिसका बहाली बहुत जल्द निकाला जाएगा, जिसमें से यहाँ पे कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से जारी की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि कृषि विभाग में शीघ्र होगी नियुक्ति। मंत्री ने 15 जून तक जो है खाली पदों की जानकारी मांगी है। कृषि मंत्री ने विभागीय उच्च अधिक कार्यों के साथ योजनाओं की समीक्षा भी की, ये यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, आप अगर डिटेल में इस नोटिस को देखें तो बोला जा रहा है कृषि विभाग के सभी स्तरों के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली होगी, यानी बहुत जल्द जितने भी रिक्त पद हैं, अलग अलग वेरियस पोस्ट हैं, है ना, उन सभी पे जो है बहाली निकाली जाएगी। 15 जून तक जो है खाली सीटों का जो है ब्यौरा मांगा गया है। किसानों के खाते में जो है 22,353 करोड़ रुपये भेजे गए, ये भी जो है यहाँ पे बताया गया, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये जो है भेजा गया है, जो कि 2,000 प्रत्येक के 3 किस्त पे जो है भेजे जाते हैं, वो यहाँ पे भेजा जा रहा है, जो कि 4 महीने पे आपका भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो लोग एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किए हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए बहाली जो है बहुत जल्द यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। कुछ बहाली डायरेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकालेगी, कुछ बहाली जो है BPSC के थ्रू भी होगा। अब देखना यह है कि कितनी सीट जो है यहाँ पे जारी किया जाता है और किस किस पोस्ट के लिए कितना सीट दिया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एग्रीकल्चर से BTech या BE किया है या BSc एग्रीकल्चर किया है, तो आपके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, क्योंकि शायद ही इसके बाद आपको इतना मतलब एक ह्यूज मात्रा में आपको जो है बहाली देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2025 में विधानसभा चुनाव आपका होने वाला है, तो उससे पहले ही जो है सारी चीज़ें क्लियर किया जाएगा, ताकि पूरा दिखाया जा सके कि भाई मैंने जो वादा किया है 10 लाख बहाली का, वो जो है 10 लाख बहाली हमारा कंप्लीट होने वाला है। और आपका जो बिहार DLRS का जो वेरियस पोस्ट का जो लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो भी आप लोगों को मैसेज के थ्रू ग्रेटिंग दिया जा रहा है कि आपने सक्सेसफुली पास किया, आप लोगों का इवेंट के लिए जो है आपको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कई सारे लोगों का कहना है कि पटना में जो है आपका किया जाएगा, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पे बताया कि 15,610 बहाली पदों पर जो है बहाली निकाली जाएगी, इनमें से 4,351 पद जो होंगे वो स्थायी होंगे, बाकी जो पद होंगे यानी जो पोस्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आपका हो गया। 4,351 जो है ये परमानेंट आपका होगा। 11,259 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति होगी, कई पद DM भरेंगे, है ना, कई पद जो है DM भरेंगे, डायरेक्ट मतलब DM के हाथ में होगा, यानी जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो बी का हुआ सीट होगा, वो उसी को भरेंगे, जो उनको पैसा देगा, जो पैसा नहीं देगा वो नहीं भरने वाले हैं। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे जो है आपका पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायत तो सरकार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इन रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें से 4,351 पदों पर अस्थाई तथा 11,259 पदों पर जो है संविदा पर बहाली होगी। इन पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और निदेशक हिमांशु कुमार राय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी, जो कि कई सारे न्यूज़ चैनल पे भी जो है आपको इसके लेकर जो है आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर स्थायी पद के बारे में बात किया जाए तो पंचायत सचिव 3,525, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय 504, पंचायत राज पदाधिकारी 112, जिला परिषद कन्या अभियंता 104, जो कि जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे जो है आपका होने वाला है, और जिला परिषद में निम्न लिपिक 72, अंक 28। इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे आपका 4,351 है, और जो पद संविदा पे है उसमें आपका जो तकनीकी सहायक है वो आपका यहाँ पे 556 सीटों पे जो है यहाँ पे निकाला जाएगा, जो कि संविदा के बेसिस पे आपका यहाँ पे लिया जाएगा। ग्राम कचहरी न्याय मित्र भी जो है यहाँ पे इसमें दिया गया है। हर पंचायत में अब लाइब्रेरी, पंचायत सरकार भवनों में फिजिकल और डिजिटल लाइब्रेरी, खबरें भी आएंगे, ये अखबार भी आएंगे, खबर भी आएंगे, जो भी अपडेट मतलब आप पंचायत भवन से जो है आप निकाल सकते हैं। तो सुबह के हर पंचायत में अब लाइब्रेरी होगी, पंचायत सरकार भवनों में फिजिकल डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। 15वें वित्त आयोग और अष्टम राज्य वित्त आयोग के राशि से जो है ये सार्वजनिक लाइब्रेरी खोले जाएंगे, निका जो प्रावधान किया गया है। तो ये एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग में भी जो है 45,000 पदों पर जो है भर्ती के लिए घोषणा किया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को 45,000 पदों पर कई भर्ती की घोषणा की थी। गुरुवार को मंत्री मंगल पांडे की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सभागार में एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश के युवाओं को जॉब देने के लिए निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। स्वास्थ्य विभाग में मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक की सभी रिक्त पदों पर 4 महीने के अंदर नियुक्ति देने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिया है। इसके तहत विभिन्न पदों पर 45,000 नियुक्तियों का निर्माण किया गया है, यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य सरकार की जनता को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए जो कृत संकल्पित है। साथ ही राज्य की जनता को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का सरकार का मंशा है। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। यानी तीन डिपार्टमेंट में आपको अभी तक मैंने बताया, जिसमें बहाली जो है आपकी आने वाली है। पहला आपका जो है कृषि विभाग में, दूसरा पंचायती राज विभाग में, और तीसरा आपका जो है स्वास्थ्य विभाग में। तो तीनों में अगर मानकर मिलाकर चलो तो लगभग आपका जो है 1,00,000 के आसपास आपका जो है बहाली देखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो लोग बिहार से हैं और आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और विद टेक्निकल डिग्री भी है आपके पास, तो ये आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ होने वाला है। अगर आपके पास मेडिकल का डिग्री है या एग्रीकल्चर का डिग्री है या फिर आपके पास इंजीनियरिंग का या नॉन टेक किसी भी का डिग्री है और आप तैयारी कर रहे थे, तो आपके लिए एक ग्रेट न्यूज़ यहाँ पे जो है देखने को ये मिलेगा। तीन डिपार्टमेंट में बहाली को लेकर मैंने आपको अपडेट दिया है। बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिले।
और सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।